एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें कि देखिए कोई भी प्रक्रिया हो अगर जन भागीदारी नहीं है तो वो कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। और उसके लिए आयोग ने एक सी विजिल ऐप का वो किया है, उपयोग किया है, जिसमें कि सी विजिल मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई एमसीसी का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, किसी तरह से भी अगर कोई उसका फोटो या इन्फॉर्मेशन, उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फोटो खींचना है या इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है। नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा। विद इन 100 मिनट्स अवर टीम विल रीच ओवर देयर विल दैट विल इंक्वायर व्हाट इज हैपनिंग एज सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया तो जिससे कि एमसीसी का वायोलेशन या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीजें जो भी कुछ हुई उसको फौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट ने भी मैं चाहूंगा, केरला ने इसको यूज किया बहुत अच्छी तरीके से और फौरन इसमें एक्शन लिया गया, तो बाकी लोग भी सचेत हो जाते हैं कि भी हमें कोई देख रहा है और जन भागीदारी है, मतलब कॉमन मैन विल डाउनलोड इट, टेक ए फोटोग्राफ एंड विल सेंड इट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई वुड लाइक दैट यंगस्टर्स हु आर वेरी गुड इन ऐप अनलाइक मी, दे कैन डेफिनेटली यूज इट फास्टर एंड दे कैन हेल्प द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक इट यू नो मोर विजिलेंट। Until and unless we are vigilant, I think we are not fit persons for that. So society will have to be vigilant. The persons will have to be vigilant. Everything cannot be left to the officers and commission. तो मैं चाहूंगा कि जन भागीदारी इसमें पूर्णतया हो इस स्कीम में, तभी हम इसको बिल्कुल निष्पक्षता से इलेक्शंस को करा पाएंगे।